95वें ऑस्कर अवार्ड में राजमौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने रचा इतिहास। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जीता ऑस्कर। द एलिफेंट विस्पर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। लंदन में दिए गए राहुल के बयान पर साधा निशाना। धारवाड़ के एक कार्यक्रम में कहा लंदन में जाकर भारत का अपमान किया गया। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 विधेयक होने हैं पास। विपक्ष के हंगामे के आसार। प्रयागराज शूटआउट केस में अतीक के बेटे असद की तलाश तेज। नेपाल में दबिश दे रही है यूपीएसटीएफ की दो टीमें। असद के बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की आशंका। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत। वसंत कुंज इलाके में कुत्तों ने 2 भाइयों को नोच नोच कर मार डाला। दिल्ली में आबकारी नीति पर सियासी घमासान। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर राजघाट पर मौन व्रत करेगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। लाहौर से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे इमरान खान। प्रशासन ने रैली को दी सशर्त मंजूरी। बड़ी तादाद में पीटीआई समर्थकों के पहुंचने की भी उम्मीद। अहमदाबाद टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन। टीम इंडिया को 91 रनों की बढ़त। विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, जिसकी खबरों की दुनिया में बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। और हम पर इस तरह भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।